स्टूडेंट्स, टुडेस लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉर्डिंग फो। पिछले आर्टिकल्स में हमने पोटेंशियल पढ़ा था ड्यू टू कॉर्डिंग पोल, और आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू कॉर्डिंग पोल्स। ओके, एज यू नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू कॉर्डिंग पोल हैज टू कंपोनेंट, वन इज रेडियल कंपोनेंट एंड अदर इज ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स। रेडियल कंपोनेंट रिप्रेजेंट करते हैं ई आर से और ट्रांसवर्स कंपोनेंट करते हैं ई थीटा से। तो इन दोनों जो कंपोनेंट्स हैं कैलकुलेट करेंगे कि रेडियल कंपोनेंट पे क्या होता है और ट्रांसवर्स पे क्या कैलकुलेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो द इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए गिवन डिस्टेंस आर इज गिवन बाई क्यू डी इंटू थ्री कॉस के थीटा माइनस वन अपॉन एट पाई एप्सिलॉन आर क्यू, राइट। फॉर रेडियल कंपोनेंट्स ER इज इक्वल टू माइनस करली बी अपॉन करली आर इज इक्वल टू माइनस करली अपॉन करली आर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी इंटू टू आर क्यू। ये देखो, हमने एट को सेपरेट कर लिया, एट फोर इंटू टू एट बन गया हमारे पास, राइट। इस इक्वेशन को ही मैंने रीअरेंज करके लिखा और कुछ नहीं लिखा हुआ हमने। तो देन QD here माइनस QD, राइट, माइनस QD अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट थ्री कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टू इंटू डी अपॉन डी आर। आर क्यू था, ये ऊपर चला गया मेरे पास, माइनस आर क्यू कर लिया, QD थ्री कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू माइनस थ्री। डेरिवेशन कर ली इसकी, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कर ली जिसको हम बोलते हैं, माइनस थ्री और एन माइनस वन का फॉर्मूला लगा लिया तो हमारे पास क्या आ जाता है, आर की माइनस फोर पावर्स आ गई है, राइट। तो ई आर इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया हमारे पास, वन पॉइंट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट थ्री क्यू डी थ्री कॉस के थीटा माइनस वन अपॉन टू आर की फोर। माइनस जो एक ये था, एक माइनस हमारे पास दूसरा था, तो वो दोनों पॉजिटिव हो गए, ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट आता है हमारे पास ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ई थीटा। तो सिमिलरली ई थीटा भी हमने कर लिया, ई थीटा इज इक्वल टू माइनस कर ली बी अपॉन कर ली डी थीटा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर कर ली अपॉन कर ली थीटा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी थ्री कॉस के थीटा माइनस वन अपॉन टू आर क्यू। अब देखो इसमें क्या है, किस कंपोनेंट पे आएगा हमारे पास, जहां पे थीटा है, तो वन माइनस वन अपॉन आर इंटू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी अपॉन टू आर की क्यू कर ली अपॉन कर ली थीटा। ये माइनस वन बाई आर फॉर्मूला था हमारे पास, राइट। थ्री कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसको सिंप्लीफाई किया हमने, थ्री इंटू टू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा, राइट। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, ई थीटा इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर पाई एप्सिलॉन क्यू थ्री क्यू डी साइन टू थीटा अपॉन टू आर की फोर। कंपोनेंट्स बच जाता है हमारे पास। अब बहुत सारे बच्चों को ये समझ शायद आया कि नहीं आया कि हमने साइन टू थीटा कैसे लिख लिया, ठीक है। तो साइन टू थीटा जो है, या टू कॉस थीटा भी आएगा यहाँ पे, देखो एक हमारे पास कंपोनेंट बच गया यहाँ पे, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, टू कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब हमें पता है कि जो हमारे पास टू साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, हमारे पास इस टर्म के बराबर होता है। अगर आपको याद है कि साइन टू थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, हमने ये टेंथ में प्लस वन और प्लस टू में पढ़ा हुआ है फॉर्मूला मैथमेटिक्स में, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वो स्टेप नहीं मैंने किया, सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ दोनों को, ये सीधा ये स्टेप लिख दिया यहाँ लेके, राइट। अब हमारे पास क्या होता है कि अगर आपको पता है कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट पी ड्यू टू क्वाड्रुपोल वो क्या होती है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ई स्क्वायर, यानी रेडियल कंपोनेंट प्लस और ट्रांसवर्स कंपोनेंट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाता है। यानी इसका मतलब हमें ये दोनों वैल्यू यहां पुट करनी है लेके और सिंप्लीफाई करना है। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 क्यू डी अपॉन 2 आर की 4, ये तो कॉमन है दोनों में, तो हमारे पास क्या बच गया अंदर, 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। अब इसी इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, सिंप्लीफाई कर देता हूं। देखो a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख लिया। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला किसके बराबर है, साइन 2 थीटा, यहां 2 sin theta cos theta वो वैल्यू पुट कर दी और उसका स्क्वायर रूट ले लिया। अब इसको मैं धीरे धीरे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आता है, मैंने एक स्टेप छोड़ दिया यहां, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है, अगर आप ये देखोगे तो यहां पे क्या आता है,
जब स्केयर करेंगे तो कॉस स्केयर आ जाएगा, एक कॉस स्केयर ये, तो कितने बचेंगे, कॉस की फोर बन जाएगा, नाइन कॉस की फोर प्लस वन माइनस सिक्स कॉस स्केयर थीटा प्लस फोर कॉस स्केयर थीटा माइनस फोर कॉस की फोर थीटा। सिंप्लीफाई है, आप सिंप्लीफाई देख लेना, वन पॉइंट इट्स नॉट ए बिग इशू, 1.4 पाई जब साले नॉट थ्री क्यू डी अपॉन टू आर की पावर फोर, थ्री कॉस की पावर फोर थ्री नहीं हो गए, कितने हो जाएंगे ये हमारे पास, अगर आप देख रहे हो वन टू थ्री फोर फाइव बन जाएंगे, ये सॉरी यहाँ पे फाइव बन जाएगा हमारे पास, राइट, फाइव कॉस की पावर फोर थीटा माइनस टू कॉस के थीटा प्लस वन की स्क्वेयर रूट, ये हमारे पास आ जाता है। नाउ दी स्पेशल केसेस फॉर दिस, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री देन द पॉइंट लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द क्वाड्रोपोल, देन द इक्वेशन E एक्सएल इज इक्वल टू 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 क्यू डी अपॉन 2 आर की 4, वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 5 कॉस की 4 थीटा माइनस 2 कॉस के थीटा प्लस 1, तब थीटा की जगह हमने क्या किया, जीरो वैल्यू पुट कर दी, कॉस 0 1 होता है, तो माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 1 का स्क्वेयर रूट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया अब हमने उसको, या सिंप्लीफाई कर लिया, E एक्सएल इज इक्वल टू 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 क्यू डी अपॉन आर की 4 पावर, राइट। अब अगर हमारे पास थीटा 90 डिग्री हो जाता तो हमने पिछले केसेस में भी पढ़ा है कि जो पॉइंट P होगा लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइंस ऑफ क्वाड्रोपोल, देन द इक्वेशन बिकम्स E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 क्यू डी अपॉन 2 आर की पावर 4, 5 कॉस की पावर 4 था, 90 जीरो होता, वो भी जीरो, वो भी जीरो, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है, का स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब हमें पता 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है, राइट, तो 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 क्यू डी अपॉन 2 आर की पावर 4, तो ये इक्वेटोरियल के लिए, ये एक्सेल के लिए। अब इन दोनों में देखो रिलेशंस बन रहा है, अगर ई एक्सेल इज इक्वल टू 2 इनटू ई इक्वेटोरियल कर दे, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 से 2 कर सके, तो कौन सी वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्सेल की वैल्यू आ गई, तो दिस इज द इक्वेशन। वो कई बार ऐसे भी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि प्रूव दैट द ई एक्सेल इज इक्वल टू 2 इनटू इक्वेटोरियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्वाड्रोपोल, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता वो एग्जाम में हमसे, तो वी शुड अवेयर अबाउट इट, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ लेंथ एल, लेट अस कंसीडर ये यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ए बी, ए एंड बी हैविंग लेंथ एल, हैविंग लेंथ एल, आप चाहे थोड़ा सा फिगर को यहां तक भी लेके आ सकते हो, ठीक है, हैविंग लेंथ एल, ओके, राइट, देन द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा चार्ज डेंसिटी हमें पता है कि क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ होता है, प्लेस एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द ओरिजिन ओ इन द एक्स वाई प्लेन as shown in figure, let us suppose the charge q be uniformly distributed on the wire, the wire is made of large number of elements, consider a point ya element cd of length dx at a distance x from the origin, the charge on the element cd is equal to dq इज इक्वल टू कितना चार्ज हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा अभी हमने लिया था चार्ज डेंसिटी इनटू किसके बराबर होता है, डीएक्स के बराबर है। अब लैम्डा अभी हमने नोट किया था कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज कितना हमारे पास क्यू, लेंथ कितनी है यहां पे एल इंटू डीएक्स के बराबर हो जाता, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी लैम्डा डीएक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल इंटू डीएक्स के बराबर हो जाता है हमारे पास। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट ए पॉइंट पी, दिस पॉइंट इज पी, पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज एलिमेंट इज गिवन बाई डी वी इज इक्वल टू 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर, तो 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू मैंने डी क्यू की कहां से पुट कर दी, क्यू अपॉन एल डी एक्स अपॉन आर के बराबर लिख दिया इसको, राइट। अब हम क्या करते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू द होल वायर इज गिवन बाई
जब होल बाहर करते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ता है, उसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ता है। तो हमने इंटीग्रेट कर दिया इस पूरी इक्वेशंस को विद लिमिट्स एल इंटू एल प्लस ए। तो इंटीग्रेशन डीवी इज इक्वल टू लिमिट ए इंटू एल प्लस लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमने ले ली ए एंड एल प्लस ए, 1.45 एप्सिलॉन नॉट क्यू डीएक्स अपॉन एल आर। फिर हमने और मॉडिफाई कर दिया इस इक्वेशंस को, इंटीग्रेशन ए वेरियस एल टू एल प्लस ए 1.45 एप्सिलॉन नॉट क्यू डीएक्स अपॉन एल। अब आर की जो वैल्यू है वो हमने यहां निकाल ली है, वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर का स्क्वेयर रूट, ठीक, वो वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी। देन वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लिमिट ए टू ए एल प्लस ए डी एक्स अपॉन वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर का स्केयर रूट। बाकी जो वैल्यू थी, ये वाली जो वैल्यू थी, ये सारी हमने क्या कर लिया, ये सारी वैल्यू जो बाहर लेके आ गए हम इसको, ठीक है, इंटीग्रेशन से अंदर हमारे पास ये वैल्यू बच गई है, राइट, इस वैल्यू को हमने अंदर रख दिया। तो देन वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसका हमने इंटीग्रेशन है ए टू एल प्लस ए। अब हमें पता कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें पता है कि अगर dx upon ax square plus y square का स्क्वायर रूट होता है तो हम उसको log की फॉर्म में लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन log e x plus y square plus x square का स्क्वायर रूट लिमिट a टू l plus a। अब लिमिट हमने लगा देनी यहां पे, पहले अपर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट लगाएंगे, q upon 4 pi epsilon not l बाहर आ गया, तो log e l plus a plus y square plus l plus a का होल स्क्वायर माइनस log e a plus y square plus a का स्क्वायर, राइट। अब हमने और सिंपलीफाई कर लिया इस इक्वेशंस को, देन यू गेट द पॉइंट सर, v इज इक्वल टू 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन l log e l into l plus a plus y square plus l plus a का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन a plus y square प्लस ए का स्क्वायर रूट। सिंपलीफाई कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं इस इक्वेशन को, और दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब जब ये इक्वेशन आ गई है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर, जो पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया हमने, तब हमारे पास क्या है कि अगर मेरा पॉइंट पी जो है लाइज ऑन एक्स एक्सिस है, सपोज पॉइंट पी लाइज ऑन एक्स एक्सिस है, ये जो पॉइंट है सपोज मेरा पी एक्स एक्सिस पे होता तो उस केस में वाई क्या हो जाएगा, मेरे पास जीरो हो जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू जीरो, देन वी इज इक्वल टू क्यू 1.45 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल लॉग ई क्यू एल प्लस ए अपॉन 2a, और सिंप्लीफाई कर लिया इसको मैंने, ठीक है, y की वैल्यू जीरो पुट कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। तो सिंप्लीफाई करके क्या आ गया हमारे पास, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन l लॉग 1 प्लस एल बाई ए, राइट, 1 बाई a आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 1 नॉट l, ओके, दिस इज लाइक राइट एज 1। देन इफ The length is less than to a, अगर ये length a से जो डिस्टेंस a है उससे कम है, तो then v is equal to किसके बराबर आ जाता, 1.4 pi epsilon q upon a के बराबर आ जाता। तो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो इतना आ जाता है, या दिस इक्वेशन शो दैट द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज q एट ए डिस्टेंस r, ठीक है, इसके बराबर हमारे पास एट ए डिस्टेंस r का मतलब यहां पे मैंने a लिया तो मैं a बोलूंगा एट ए डिस्टेंस a। नेक्स्ट जो केस आता है, नेक्स्ट जो है वो अगर हमारे पास क्या है, पॉइंट पी है वो परपेंडिकुलर टू दी लेंथ ऑफ दी वायर हो जाता है एंड दी एंड ऑफ ए ऑफ दी वायर कॉइंसाइड विद दी ओरिजिन, तो ए जो वैल्यू है ये एंड यहां पे आ जाता है, ए को मैं यहां उठा के रख देता हूं, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उस केस में क्या रहता है, वी इज इक्वल टू 1.4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल लॉग ई एल प्लस स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। अब 1.4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल लॉग ई एल अपॉन वाई प्लस 1 प्लस एल स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि वो वैल्यू ए की मैंने जीरो पुट कर दी इस केस में, तो सिंप्लीफाई कर लिया हमारे पास, राइट। अब सपोज अगर क्या करता है, जो एल लेंथ है वो वेरी वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू वाई, इट मींस दैट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी इज फार अवे। अगर मैं ये बोल देता हूं कि एल जो बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है वाई से, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि जो पॉइंट पी है, पी कौन सा ऑब्जर्वेशन जो पॉइंट है वो अवे फ्रॉम दी वायर है। उस केस में क्या हो जाता है हमारे पास, उस केस में 1 अपॉन एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर
रूट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम बाइनोमियल इस पे लगा देते हैं 1 प्लस एल स्केयर अपॉन 2 वाई स्केयर प्लस सो ऑन, तो उस केस में हमारे पास आता है v इज इक्वल टू 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन l log e 1 प्लस l अपॉन y। अब सिंपलीफाई कर लेता हूं इस इक्वेशंस को मैं, 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन l इनटू l अपॉन y, अब l से मैंने l को कैंसिल कर दिया, देन वी हैव v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन y के बराबर आ जाता है। तो दिस इज द इक्वेशन which gives us the information about the potential of large of charge q at a distance y perpendicular to the length of the wire. So an uniformly charged wire of length l behave as a point charge if the distance of the point observation is away from the wire. तो point charge के बराबर वो हमें दिखाई देती है, जो हमारे पास जो length थी wire की हमने AB को इस way में आती है हमारे पास। थैंक यू, यू एंजॉय दिस लेक्चर, थैंक यू वंस अगेन।